अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम करने वाले हैं दो बॉक्सेस का कंपैरिजन, दो नोट 11 का कंपैरिजन। मेरा मतलब है इन्फिनिक्स नोट 11 का कंपैरिजन वर्सेस रेडमी नोट 11 का कंपैरिजन। अब इन दोनों स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि अली भाई इनका कंपैरिजन करें, क्योंकि वैसे देखा जाए ना इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, लाइक बॉक्सी डिज़ाइन है, 50+ मेगापिक्सल के सेंसर हैं, एमोलेड डिस्प्लेज हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो गए हैं लाइक रेडमी नोट 11 को परचेज़ करें या इन्फिनिक्स नोट 11 को परचेज़ करें और किस यूज़ के लिए किस फ़ोन को परचेज़ करें, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इन्फिनिक्स नोट 11 के पास एक बहुत बड़ा एज है प्राइस का। देखा जाए 4128 GB वाला वेरियंट ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 26 के आसपास देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 11 का, और रेडमी नोट 11 4128 वाला अराउंड 33-34 हज़ार के आसपास मिलता है। लाइक 7-8 हज़ार का प्राइस डिफरेंस है जो कि बहुत ह्यूज है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि भाई अपनी प्राइस के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। हमने इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका रीज़न ये 8 हज़ार का प्राइस डिफरेंस 30 हज़ार वाली कैटेगरी में डजंट मेक सेंस कि उनको डायरेक्ट कंपेयर किया जाए। तो हम देखेंगे कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है, कैमरा किसका अच्छा है, गेमिंग के लिए अच्छा कौन सा है, डिस्प्ले किसका अच्छा है, सारी की सारी कन्फ्यूजन आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा। यहाँ पर 3-4 दिन से ऐसे नींद नहीं आ रही, लाइक इतने कंपैरिजन, इतना टाइम इनके ऊपर लग रहा है कंपैरिजन के ऊपर। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं अगर सब्सक्राइब कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करता, आइए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। नो गाइस, जी हाँ जी, आपके दोनों स्मार्टफोन रेडमी नोट 11 वर्सेज इन्फिनिक्स नोट 11। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेज की, इन हैंड फील की, ओवर व्यू की और सिक्योरिटी की। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 की बात कर लीजिए तो इसका बॉक्सी डिज़ाइन है, लेकिन ये एक्चुअल में कंप्लीट बॉक्स डिज़ाइन है। यहाँ पर पीछे वाली फट्टी भी बिल्कुल स्ट्रेट है और एजिस भी फुल फ्लैट हैं। और यहाँ पर बात कर लीजिए रेडमी नोट 11 की तो इसकी पीछे वाली जो फट्टी है वो कर्व है। एक्चुअली अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर कर्व है और यहाँ पर जो एजिस है इसकी ये भी स्लाइटली कर्व है, मतलब फुल फ्लैट वाला सीन नहीं है जो कि हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 11 में है। इसको साइड बाई साइड कंपेयर करें तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इन हैंड फील और ओवरव्यू की बात कर लिए तो मुझे नोट 11 की इन हैंड फील कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी लगी है, मे बी आपको रेडमी की लग सकती है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात कर लिए तो बेसिकली दोनों ही स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 की, चेकआउट करते हैं, यस अच्छी स्पीड है इसकी भी। और रेडमी नोट 11 की बात कर लेते हैं तो वेल इसकी भी अच्छी स्पीड है, दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड अच्छी है। दोनों डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात कर ली तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडमी की बात करते हैं तो ये भाई आती है एंड्रॉइड 11 के साथ, और यूआई की बात कर ली तो MIUI जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 13.0.1 ये उसके साथ आती है। और यहाँ पर इन्फिनिक्स की बात कर ली तो इन्फिनिक्स नोट 11 आता है एंड्रॉइड 11 के साथ, आज 11 बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। और साथ अगर यूए की बात कर ली तो XOS 10.0.0 है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और यहाँ पर ना इसकी दोनों की यूआई में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ओवरलैप भी काफ़ी ज़्यादा करती है। और एड्स दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर ये कुछ इस तरह के आ जाते हैं और यहाँ पर गैलरी वगैरह में आ जाते हैं। इन्फिनिक्स में मैंने कंपैरेटिवली कम एड्स देखे हैं और रेडमी में मैंने तकरीबन जब से मैं 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा एड्स मैंने देख ली हैं। ओवरऑल बात कर लिए तो दोनों ही आपको गुजारा कर जाएंगे 30-35 हज़ार के प्राइस ब्रैकेट में, आपको कोई इतना ज़्यादा इशू यहाँ पर दोनों में देखने को नहीं मिलने वाला। वेल गाइस, डिस्प्ले की बात कर लिए तो दोनों में यहाँ पर एमोलेड है, लेकिन यहाँ पर भाई बात कर लीजिए रेडमी नोट 11 के पास कुछ यहाँ पर एजेस ज़्यादा हैं और यहाँ पर इन्फिनिक्स के पास प्राइस का एज बहुत बड़ा, लाइक 7-8 हज़ार प्राइस कम है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 11। वेल यहाँ पर बात कर लीजिए रेडमी नोट 11 के पास क्या क्या एजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ा जो एज है ना इसके पास वो ये है कि यहाँ पर वाइड बाइन L1 की सपोर्ट है, यानी आप OTT प्लेटफॉर्म पर हाई रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्फिनिक्स के पास यहाँ पर L3 की सपोर्ट है, लाइक नो हाई रेजोल्यूशन में मीडिया ऑन OTT प्लेटफॉर्म। और साथ में इसमें 90 Hz का हाई रिफ्रेश रेट है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, स्मूथनेस है कंपेरेटिवली बात कर लीजिए। उसी तरह बात कर लीजिए इस डिवाइस को मैंने आउटडोर में यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा मीडिया कंज्यूम किया है डिवाइसेस पर, दोनों ही आपका आउटडोर में अच्छे से गुजारा कर जाएंगे, इंडोर में तो ऑब्वियसली एमोलेड अच्छे से गुजारा करेंगे ही। लेकिन कंपैरेटिवली बात कर लीजिए तो भाई यहाँ पर ब्राइटनेस मुझे रेडमी नोट 11 में ज़्यादा देखने को मिली है। और यहाँ पर बात कर लीजिए हार्श लाइट में भी दोनों आपको गुजारा कर देंगे, लेकिन अगेन यहाँ पर ब्राइटनेस रेडमी नोट 11 में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 1000 nits की पीक ब्राइटनेस है, 700 nits वैसे है। और यहाँ पर इन्फिनिक्स के पास 650 nits की पीक ब्राइटनेस है। उससे बात कर लीजिए यहाँ पर जो इन्फिनिक्स की मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी है डिस्प्ले के मामले में, भाई ये जो कलर निकल के आते हैं वो पंची हैं और यहाँ पर लिटिल बिट वाइटिश शेड आता है रेडमी में, लेकिन पंची कलर इन्फिनिक्स में ज़्यादा देखने को मिले हैं। जैसे कि आपने सारे सैंपल्स वगैरह देख लिए हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि
के डिस्प्ले किसका अच्छा है। वेल यहाँ पर प्राइस को भी हमने माइंड में लाजमी रखना है क्योंकि ये 26,000 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं 33-34,000 के साथ। उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों की डिस्प्लेस ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंपैरेटिवली बात करें तो मैं यहाँ पर Redmi Note 11 के डिस्प्ले को पिक करने वाला हूँ एज़ कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पर वाइड पैनल की सपोर्ट है, यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट है और ज़्यादा ब्राइटनेस। नो गाइस, अभी हम करने वाले हैं दोनों डिवाइसेस का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और पबजी कंपैरिजन। वेल पबजी कंपैरिजन के ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पर क्लियर विनर है इनफिनिक्स नोट 11 ड्यू टू G88। तो यहाँ पर पबजी के एंड से तो ये क्लियर विनर, टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। अगर आपको पबजी के लिए डिवाइस चाहिए, आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स को आप पिक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हम इनका एक रीबूट टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि पहले कौन सी डिवाइस यहाँ पर रीबूट होती है। एक इधर ऑफ हो रहे हो, रीबूट हो अभी, तो एक रीस्टार्ट टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर दोनों का मैनुअल चेंज जैसे ही होगा मैं साथ ही कर दूँगा। यस, बिल्कुल सेम टाइम पर हमने दोनों को रीस्टार्ट किया है। वेल यहाँ पर बात कर लिए Redmi Note 11 में स्नैपड्रैगन 680 है, 6 नंबर बेस्ड है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन इसमें ज़्यादा, लेकिन सी पी यू जी पी वाइज ये लो है और गेमिंग में यहाँ पर इन्फिनिक्स के बाद बहुत बड़ा एज है। गेमिंग अच्छे लेवल पर आप काट सकते हैं कंपैरेटिवली बात कर लीजिए। देखते हैं पहले रीस्टार्ट कौन सी डिवाइस होती है और साथ यहाँ पर ऐप्स टेस्ट भी करेंगे, वो भी सारा चेकआउट कर लेंगे। आई थिंक सो यहाँ पर Redmi पहले होने वाला ड्यू टू 6 nm, लेकिन यार चेकआउट करते हैं कौन सा पहले रीस्टार्ट होता है। यस, यहाँ पर मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी, यहाँ पर Redmi Note 11 पहले रीस्टार्ट हो गया और उसके पीछे पीछे ही आ गए यहाँ पर Infinix Note 11। नो गाइस, अभी हम करने वाले हैं ऐप लॉन्चिंग टेस्ट, देखते हैं भाई पहले ऐप कौन सी किस में ओपन होती है। चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं है और यहाँ पर 4GB रैम है Infinix में और यहाँ पर 6GB रैम है, 1 GB तो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इसको। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल पहले Infinix में ओपन हो चुकी है, मैसेज भी आई थिंक सो यहाँ पर सेम टाइम में, वो आप देख लीजिएगा, मैं ऐसे गौर से नहीं चेकआउट कर पा रहा। क्रोम भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे दोनों में ओपन हुआ है। यहाँ पर कैमरा भी ऑलमोस्ट सेम टाइम में यहाँ पर ओपन हुआ है। प्ले स्टोर, DRM ऐप, तो यहाँ पर Infinix में पहले ओपन हुई है। ओवरऑल बात कर लिए ऐप ओपनिंग की तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टक्कर का मैच आ रहा है, लेकिन कुछ स्लाइटली यहाँ पर Infinix में ऐप 2 दिन पहले ओपन हुई है। तो वैसे ओवरऑल बात कर लिए स्पीड परफॉर्मेंस और यहाँ पर पबजी परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली Helio G88 इज़ बेटर देन स्नैपड्रैगन 680। यहाँ पर 680 को बस एक एज है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ड्यू टू 6 nm। ओवरऑल बात कर लिए गेमिंग के लिए आप इसकी तरफ जा सकते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल Infinix Note 11 की बात करें तो 50 MP का मेन सेंसर है, बाकी 2 नंबर गेम है और 13 MP का नहीं 16 MP का सेल्फी शूटर है। Redmi की बात कर ली तो यहाँ पर सेम 50 MP का मेन सेंसर है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, बाकी 2 नंबर गेम है और यहाँ पर 13 MP का सेल्फी शूटर है। हमने कुछ लिमिटेड पिक्चर्स क्लिक की हैं लेकिन उनके ऊपर आपको डिटेल से कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सोचा है कि अगर 50 पिक्चर आपको दिखाऊंगा तो फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको एक पिक्चर के ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा, साथ साथ दोनों को ऐसे रियल टाइम में हम कंपेयर करने वाले हैं ताकि आपको ईजिली डिटेक्ट हो जाए कि भाई किसका कैमरा कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पिक्चर की बात कर लीजिए जो कि हमने सेम सिनेरियो में सेम सिचुएशन में क्लिक की है, उनको चेकआउट किया जाए। यहाँ पर Infinix Note 11 को देखा जाए तो यहाँ पर डिटेल की मुझे थोड़ी सी कमी देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 11। Redmi Note 11 में डिटेल ज़्यादा है इस पिक्चर में। और डायनामिक रेंज की बात कर लिए तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में जो ये आसमान का कलर था ना ये वाला था ना ये वाला था, कहीं बीच में था। मैं आपको बता दूं कैसे इसने इस पिक्चर में कलर ऑप्टिमाइज हुआ है, तो आसमान को ज़्यादा नीला कर दिया गया क्योंकि ये दोपहर का टाइम था। और Infinix ने क्या किया है, इसको वाइटिश टोन दे दी गई है। तो हाँ, ये चीज़ आपके सामने है। ओवरऑल बात करूँ तो ये पिक्चर मुझे जो अच्छी देखने को मिली है वो Redmi Note 11 में देखने को मिली है ड्यू टू बेटर डिटेल। नेक्स्ट पिक्चर की बात कर लिए तो इसको भी सेम सिचुएशन में क्लिक किया गया है यहाँ पर Infinix Note 11 में और यहाँ पर Redmi Note 11 में। वैल यहाँ पर देखा जाए तो Infinix में ओवर शार्पनिंग मुझे ज़्यादा देखने को मिली है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड भी। और उस तरह बात कर ली, ओवरऑल पिक्चर अच्छी है बट ओवर शार्पनिंग इसका काम खराब कर देती है और कलर में लिटिल बिट वाइटिश टोन देखने को आपको मिलता है। और उस तरह बात कर लिए Redmi Note 11 की तो ये कंपैरेटिवली देखा जाए तो Infinix से बेटर है,
लेकिन यहाँ पर भी चेहरे को ना थोड़ा सा ऐसे स्मूथ कर देती है। यहाँ पर कोई भी ब्यूटी मूड आने मैंने किया होता, ये सिंपल डिफ़ॉल्ट मूड है। और यहाँ पर एज डिटेक्शन अच्छी देखने को मिली है, डायनामिक रेंज अच्छी देखने को मिली है, ये वही सेम कलर है जो कि आसमान का रियल कलर है। ओवरऑल बात करी जाए तो दोनों पिक्चर अच्छी हैं, लेकिन कंपेरेटिवली रेडमी नोट 11 मैं पिक करने वाला हूँ ड्यू टू जो एक्चुअल कलर दिखाए हैं इसने और ओवर शार्पनिंग इसने नहीं की और साथ में एज डिटेक्शन अच्छी है। नेक्स्ट पिक्चर की बात कर लिए तो ये पोर्ट्रेट मूड की पिक्चर्स हैं और भाई दोनों ही पिक्चर क्लियर आई हैं यहाँ पर Redmi Note 11 में भी और Infinix Note 11 में भी। अगर आप इनको जूम भी करेंगे तो यहाँ पर आप डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर Redmi की बात कर लिए तो भाई यहाँ पर Redmi की एज डिटेक्शन फार बेटर है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर वही सेम सीन है, बस यहाँ पर डिटेल की लाइक लिटिल बिट कमी है, लेकिन इससे तो अच्छी है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो स्मूथनेस चेहरे पर ना थोड़ी बहुत ये ले आ रहा है। नेक्स्ट पिक्चर की बात कर लिए तो ये सेल्फी आती है और सेल्फी के मामले में भी भाई Infinix वही गेम कर रहा है ओवर शार्पनिंग की। कैमरा गेम पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है Infinix को। उससे बात कर लिए Redmi की तो Redmi की पिक्चर तो अच्छी आई है, एज डिटेक्शन अच्छी आई है, लेकिन भाई Redmi को अब ना ये स्मूथनेस को ख़त्म करना है और डिटेल ज़्यादा प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पिक्चर की बात कर लिए तो ये हमने अगेंस्ट सनलाइट ली है और ये अगेंस्ट सनलाइट कंपेरेटिवली यहाँ पर Redmi में ज़्यादा अच्छी पिक्चर आई है, क्योंकि यहाँ पर लिटिल बिट डार्कनेस है और यहाँ पर कलर अच्छे निकल के आए हैं। अगर आप इसको गौर से भी देखें तो ये अच्छी पिक्चर निकल गई है Redmi में। उससे बात कर लीजिए वीडियोग्राफी की तो यहाँ पर वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो भाई यहाँ पर बस इतनी ज़ोर से ना बोलो। वेल वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो दोनों में ही आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पर Redmi की वीडियोग्राफी अच्छी निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पर कलर एक्चुअल निकल के आए हैं। यहाँ पर कलर को वाइटिश टोन दिया गया है, यहाँ पर मैंने देखा है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी दोनों में वाइटिश टोन ज़्यादा है यहाँ पर Infinix Note 11 में। और बैक कैमरा की वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम सीन है, देखें ये चेहरे के कलर एक्चुअल हैं और ये थोड़े से वाइटिश हैं, और यहाँ पर डिटेल की लिटिल बिट कमी है और यहाँ पर ओवर शार्पनिंग है। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो कमियाँ हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल बात कर लिए कैमरा डिपार्टमेंट की तो Redmi Note 11 क्लियर विनर है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू Infinix Note 11। और आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई इसमें कमी किस चीज़ की है, इसमें कमी किस चीज़ की है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन गाइस अभी हम करने वाले हैं इन दोनों डिवाइसेस का साउंड कंपैरिजन, देखते हैं भाई साउंड किसका अच्छा निकल के आता है। दोनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर है, पहले Infinix Note 11 चेक करते हैं फुल साउंड। पहले यहाँ पर Note 11 का साउंड अच्छा है, चेकआउट करते हैं भाई अब Redmi Note 11 को। वेल गाइज दोनों का साउंड अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिवली बात कर लिए तो Redmi Note 11 का साउंड अगेन यहाँ पर बीट कर जाता है Infinix को। दोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं, लेकिन भाई साउंड इसका अच्छा, क्लैरिटी Redmi Note 11 में ज़्यादा अच्छी है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर लिए तो दोनों में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है और यहाँ पर इसके पास कुछ एजेस हैं लाइक यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन माइक वगैरह अवेलेबल है। सो गाइज ये था कंपैरिजन Redmi Note 11 वर्सेस Infinix Note 11। अभी बात करते हैं कौन सा फ़ोन किस यूज़र के लिए है और कौन सा फ़ोन किसको रेकमेंड करना है किसको रेकमेंड नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है दोनों में। ये फ़ोन है Infinix Note 11 4128 वाला, 26 के प्राइस टैग के आसपास ऑफलाइन मिलता है। ये 4128 वाला अराउंड 33-34 के आसपास देखने को मिलता है, मे बी फ्लैट रेट पे बिक रहा है। तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे से अगर आप पूछेंगे तो डेफिनेटली Infinix Note 11 में आपको रेकमेंड करने वाला हूँ। ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली की बात नहीं कर रहा। अभी बात करते हैं प्राइस को अगर साइड पर रखें तो ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर किस डिपार्टमेंट में कौन सा फ़ोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिस्प्ले के मामले में तो डिस्प्ले में भी Redmi Note 11 एज ले जाता है, कैमरे में भी एज ले जाता है
और यहाँ पर बात कर लीजिए गेमिंग परफॉर्मेंस और पबजी के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 हाईली रिकमेंडेड है, अच्छी पबजी यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी आई थिंक सो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी होंगी, अगर कोई चीज़ रह गई है तो डेफिनेटली आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितनी डिटेल के साथ आप वीडियो हो सके उतनी आपको प्रोवाइड करूँ, चाहे वीडियो 15 मिनट की क्यों ना बन जाए, ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर करूं, ताकि आपको किसी और वीडियो को देखने की नौबत ना पड़े। अगर इस तरह की कंपैरिजन मजीद देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, मेक श्योर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम आ गए तो भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना। और इन कंपैरिजन के बारे में आपके क्या राय है, क्या चीज़ें हमें मज़ीद ऐड करनी चाहिए अपने कंपैरिजन में, क्या चीज़ कम करनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।